हे एवरीवन, सुना है गणेशगुरी में न्यू फ्लाईओवर का ओपनिंग हुआ है, तो चलिए मेरे साथ न्यू फ्लाईओवर में। तो हम लोग जा रहे हैं फ्लाईओवर में और मैं आपको साइड से साइड व्यू दिखा रही हूँ। देख रहे हैं ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो अब हम फ्लाईओवर के अंदर जा रहे हैं। गणेशगुरी न्यू फ्लाई ओवर कंस्ट्रक्टिव बाय असम PWD और 22 अक्टूबर 2020 में इस फ्लाई ओवर का ओपनिंग हुआ है। इस फ्लाईओवर को बनाने के टाइम 88.74 करोड़ रुपए का खर्च हुए हैं। ये फ्लाईओवर 398.50 मीटर लंबा है और विड्थ है इसका 27 मीटर। ये फ्लाईओवर 6 मार्च 2019 पे इस फ्लाईओवर का निर्माण होने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था। GS रोड गणेशगुरी में हर दिन बहुत ट्रैफिक होने के कारण सरकार पुराने फ्लाईओवर के साथ नया अंश जोड़ दिया है ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रैफिक का फेस ना करना पड़े। फ्लाईओवर के दोनों साइड में असम के जाति जनजाति पुरानी कलाओं को और असम के परंपराओं को ड्रॉ करके दिखाया गया है। असम वासियों को स्पेशली गुवाहाटियंस को मतलब लोगों को ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग ड्राइंग्स एज यू कैन सी। वो एक नया V2 खोला है गणेशगुरी में और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इस फ्लाईओवर में लोग आ रहे हैं और फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं, जैसे कि हम लोग भी वहाँ गए थे फ़ोटोज़ वगैरह खींचने और वहाँ पे इंजॉय करने। आई मस्ट से कि इंजॉय तो बहुत हुआ, बहुत अच्छा लगा। न्यू फ्लाईओवर में गाड़ी वगैरह एक साइड में जाने दिया और एक साइड लोगों के लिए रखा है ताकि वो लोग आराम से पैदल जा सके और खूबसूरत व्यू को इंजॉय कर सके, उसके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सके। अभी तक वो अलाउ है बट बाद में लोगों का जाना अलाउ नहीं होगा जिस तरह अब हम जा रहे हैं। और हम लोग गए थे शाम के 4 बजे और अब रात के 8 बज रहे हैं और लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग अब भी हैं वहाँ पे। महाशास्त्री के दिन गुवाहाटी वासियों को सरकार ने ये उपहार दिया है। बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ कोई थूकिए मत, पान मसाला इत्यादि खा के यहाँ पे थूकिए मत प्लीज़।
इसे गंदा मत कीजिए, क्योंकि असम वासियों का शान है ये। जब दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे आएगा और यहाँ का असम के जो रीति रिवाज है उसे देखेगा, तो किसको प्राउड फील होगा? हम ही को प्राउड फील होगा। तो प्लीज़ डोंट मेक इट डर्टी। क्या आप आसमान के कलर को नोटिस कर रहे हैं? आप देख रहे हैं बिल्कुल पर्पल है आसमान के कलर, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। सी एवरीवन इज़ क्लिकिंग पिक्चर्स विच इज़ सो क्यूट। मतलब बिल्कुल भी एक फेस्टिवल की तरह बन गई है एवरीथिंग, और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। आप लोगों को जाना चाहिए अगर आप असम से हैं, गुवाहाटी से हैं, और अगर आप किसी और स्टेट से हैं तब भी अगर आप असम आए, गुवाहाटी आएंगे, तो इस फ्लाईओवर में ज़रूर आना। तब आप असम के सारे रीति रिवाज परंपराओं को अच्छे से जान पाएंगे। सो दिस इज़ द न्यू फ्लाईओवर, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स आए हैं व्लॉगिंग करने। And my mom has just arrived and she said hi to everyone. New flyover के ऊपर है हम सब, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और new flyover के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा fresh हवा आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा fresh हवा। So with that said, I want to end this video. I just wanna tell you that I had a really good time with the new flyover. हाँ पता है सुनने में थोड़ा awkward है कि what new flyover में enjoy किया, but you go and see. बाद में नहीं अभी, bye bye.